नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डायबिटीज इंड्यूस्ड इम्पोर्टेंस, मतलब लिंग में तनाव आना कम होना, सेक्सुअल क्षमता का कम हो जाना, शारीरिक संबंध नहीं बना पाना, ड्यूरेशन कम हो जाना, लंबा समय नहीं खींचना, तनाव नहीं आ पाना, एक्साइटमेंट नहीं आना, इच्छा नहीं करना शारीरिक संबंध बनाने की। ये किस में होता है? डायबिटीज में होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे इलाज करें, क्या प्रिकॉशंस होंगे, क्या ये क्योरेबल है या नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। अंत तक बने रहें, ट्रीटमेंट तक स्टार्ट करते हैं। देखो, डायबिटीज़ में भी देखा गया, डायबिटीज़ कई तरीके की होती है, पर जो मेनली हम देखते हैं वो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन कम बनता है या बनता नहीं है, तो उसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। पर टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनता तो है पर रिसेप्टर्स खराब होते हैं, तो इसलिए ओरल मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये जो बीमारी देखी गई है डायबिटीज़ इंड्यूस्ड इम्पोर्टेंस, ये ज़्यादातर टाइप 2 वाले डायबिटीज़ के लोगों में देखी गई है, पर टाइप 1 में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक डायबिटीज़ हो या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो ये होता है डायबिटिक इम्पोर्टेंस, डायबिटीज़ इंड्यूस्ड इम्पोर्टेंस। अब ये क्यों होता है, क्या कारण है, अब इसमें ये भी देखा गया है, जैसे कोई नॉर्मल आदमी है उसमें भी इम्पोर्टेंस आ सकती है, पर जो डायबिटिक टाइप 2 वाले पेशेंट हैं उनका स्टडी हुआ है, उनमें 3 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल। ठीक है, ये स्टडी है। अब इसमें क्यों इम्पोर्टेंस आती है, उसका कारण है, मतलब आपको शुगर के कारण नर्व डैमेज हो जाती है, तो पिनाइल की भी नर्व डैमेज होगी तो वो लिंग में तनाव आना वाना बंद हो जाता है, पर इसको ठीक भी किया जा सकता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी धीरे धीरे लीक करने लगती है, परमेबिलिटी बढ़ती है, वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है, फाइब्रोसिस होने लगता है, तो उस कारण भी जो पिनाइल में ब्लड फ्लो है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो पिनाइल का स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है, हार्डनेस नहीं आ पाता है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये हुआ डायबिटीज़ इंड्यूस्ड हाई इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करें, HbA1c देख सकते हैं। कई बार क्या है, HbA1c बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो ये कारण है। कुछ केस में क्या होता है, लंबे समय हो गया, 30 साल हो गया, पर शुगर कंट्रोल है, उसके बाद भी अब वो बोलते हैं मेरा तो कंट्रोल है फिर भी मुझे इम्पोर्टेंस आ रहा है, उसका कारण है जो डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ हैं उनसे भी इम्पोर्टेंस हो जाता है, लंबे समय तक लेने से नर्व डैमेज भी होता है। दूसरा कारण ये होता है कि डायबिटीज़ में, ठीक है आप नॉर्मल तो नहीं है ना, आपका शुगर थोड़ा थोड़ा तो चाहे बढ़ा हुआ ही रहा ना, चाहे वो डायबिटिक रेंज में रहा, कंट्रोल में था, गुड कंट्रोल में, उसके बाद भी हुआ, तो उसका कारण है आपका बॉडी में जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहा। ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दिया है। इसमें डॉपलर भी करके देख सकते हैं कि भाई ब्लड फ्लो प्रॉपर है या नहीं है, नर्व्स का भी टेस्ट करके देख सकते हैं, न्यूट्रिशन टेस्ट करके देख सकते हैं, CBC करके देख सकते हैं, बहुत सारा वर्कअप है, क्रिएटिन, किडनी, लीवर वगैरह नॉर्मल है या नहीं है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल भी होता है, पर डायबिटीज़ में साइकोलॉजिकल का इशू कम है, ये तो पैथोलॉजिकल है। अब इसको ट्रीट कैसे करें, ट्रीट द कॉज, शुगर को और अच्छा कंट्रोल किया जाए, डाइट एडवाइस की जाती है, कुछ मेडिसिंस हैं जो आपका इम्पोर्टेंस को ठीक करती हैं, ड्यूरेशन को बढ़ाती हैं, वो इंट्रोड्यूस की जाए। उसके अलावा कारण को रूल आउट करेंगे, जो मेडिसिंस के कारण आपको नर्व वीक हो रही है वो मेडिसिन एलिमिनेट करके दूसरी दवाई दी जाएगी उसके प्लेस पे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको कोई इन्फेक्शन है सेकेंडरीज तो वो भी ट्रीट करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल इम्पॉर्टेंट है, डाइट इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें इसको रिवर्स भी कर सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी डायबिटीज़ इंड्यूस इम्पोर्टेंस है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।